जी अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। जी जी वालेकुम सलाम जी। कौन सर? प्राइम मिनिस्टर साहब को मेरा सलाम। मैं उनसे एक अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो आपने ये कोरोना के ऊपर जो टाइमिंग थी आपके रसूल साहब ने जो है तो टाइमिंग कम की थी, तो इसकी वजह से बाजारों में बहुत ज्यादा रश बढ़ गया था, तो जिसकी वजह से ये कोरोना का मसला पैदा हुआ है। और नंबर दो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो वैक्सीन सेंटर है वहाँ इतना स्लो प्रोसीजर है कि तीन तीन चार चार घंटे वहाँ बारी नहीं आती है। और नंबर थ्री, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को ये एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप उम्रे से जब वापस आए हैं, ताज़ा ताज़ा उम्रा करके आए हैं, और आप अपनी ईमानदारी से बताएं कि आप अपने मुनशीरों और वजीरों से आप मुतमिन हैं। अच्छा, पहले तो मैं ये बात हमारी अंदर काफ़ी इसके ऊपर गुफ्तगू हुई है कि हम अब क्या करें कि एक तरफ हम चाहते हैं कि लोग जमा ना हों तो ताकि कम हम शॉपिंग आवर्स कम कर दें, दूसरी तरफ ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जब आप कम करते हैं तो वो ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तो वो असल तो मसला ये है ना कि लोगों को जमा ना करें हम। ये है, इसके ऊपर बड़ी डिबेट हुई है आपस में, और हमारी NCOC जिसने अभी तक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, तो वहाँ एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, वो हर रोज़ सुबह इसी चीज़ के ऊपर पूरी गुफ्तगू करते हैं, ये सोच लेंगे इस चीज़ के ऊपर आगे। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अभी इस वक्त ये जो हमारा ये जो ईद की छुट्टियाँ, अगर हम इसके ऊपर एहतियात कर लें, मैं फिर से कहता हूँ एहतियात कर लें, ये इतना हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि जो आगे हमें मुश्किल काम करने पड़ेंगे जिसमें मतलब एरियाज़ को लॉकडाउन करना पड़ेगा या रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी, जिससे मेरा सिर्फ मसला ये है कि वो गरीब आदमी मुतासर होता है, कमज़ोर आदमी, छाबड़ी वाले, वो जो बेचारे मेहनत कश हैं, हमारी तरह के लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आप लॉकडाउन भी कर देंगे, हम अपने घरों में चले जाएँगे, तनख्वाह ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं इनकी तनख्वाहें मिल रही हैं उनको भी नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन वो जो हर रोज़ पैसे कमा के अपने घर में पैसा लेके जाता है अपने बीवी बच्चों को खाना खिलाने के लिए, वो पिस जाता है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, 22 करोड़ लोग हिंदुस्तान के अंदर गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं जब से उन्होंने लॉकडाउन लगाया, और इसलिए वो अब नरेंद्र मोदी डर है लॉकडाउन लगाते हुए, हालांकि वहाँ अब तबाही मची हुई है, उसको डर ये लग गया कि अगर मैं फिर से लॉकडाउन लगाया, हालांकि कई शहरों में लग गया हिंदुस्तान में, क्योंकि वहाँ जिस तरह हालात हैं आपके सामने हैं, आप अब जब तस्वीरें देखें तो बड़े हमें तकलीफ़ होती है देख के, लेकिन उसको पता है कि अगर लॉकडाउन लगाया उस तरह तो ये जो सारा निचला तबका है जो इनफॉर्मल लेबर है ये तो तबाह हो जाएगा। तो अमीर मुल्कों के अंदर गरीब लोगों का बुरा हाल है, जो अमीर मुल्क में भी हैं, तो यहाँ हमारा तो बहुत बुरा है, इसलिए मैं आपसे बार बार ताकीद करता हूँ कि पूरी तरह एहतियात करें, ये सिंपल चीज़ है, ये तो इतना मुश्किल नहीं है ना, हर जगह बस यही लगा के फिर इसी से नीचे आ जाता है। अच्छा, दूसरी बात आपने की वजीरों, हाँ अच्छा वैक्सीन का मैं आपको बता, देखें हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, दुआ करें हम काम, सारी दुनिया में वैक्सीन की कमी हो गई है, हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर की जाए वैक्सीन, इसके अंदर हमारी बातचीत चल रही है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह खुशखबरी देंगे आपको। और एक और चीज़ उन्होंने पूछी थी कि ईमानदारी से बताएं कि क्या आप अपने वज़रा की कारकर्दगी से खुश हैं? देखें ये ऐसे है कि 11 खिलाड़ी है मेरी टीम में, हर कोई तो सुपरस्टार नहीं होता, कोई अच्छा करता है कोई बुरा करता है, जो बहुत ही बुरा करता है उसको टीम से निकाल के दूसरे को ले आते हैं, जो अच्छा करते स्टार्स होते हैं तो वो तो सबके सामने आ जाते हैं। हमारे कई वज़रा बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और कई वज़रा अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो फिर टीम बदलनी पड़ेगी, ये आप इसका जवाब है।